हेलो फ्रेंड्स, नमस्ते। आज मैं इडली और डोसे का बैटर बना रही हूँ। देखिए आप, बैटर किस प्रकार बनता है और उसमें हमें क्या क्या चीज़ लगती है। ये चावल है, ये चावल आप इडली का चावल मिलता है बाज़ार में, और अगर अगर नहीं मिले तो आप घर के सादे चावल से भी बना सकते हैं। इसके लिए बासमती चावल या कोई महंगा चावल लेने की ज़रूरत नहीं है, ये सस्ते चावल से भी बन जाती है। अगर चावल मिले तो चावल, नहीं तो चावल की जो टुकड़ियाँ आती है उसका भी हम बना सकते हैं। तो ये चावल है, ये उड़द की दाल है, धुली हुई उड़द की दाल है ये, और ये मेथी दाना है। इसमें हमको 1 चम्मच मेथी दाना भी डालना है। इसको हमें रात में फुला के रख देना है और सुबह पीसना है। तो ये मैंने रात को फुला दी थी, ये उड़द की दाल है, ये फूल गई है। अब मैं इसको पीसूंगी। ये चावल है जो मैंने रात को फुला के रखे थे, उसका पानी निकाल दिया है, और इसी में ये मेथी दाने भी हैं, इसी में मैंने मेथी दाने भी डाल दी थी। अब हम इसको पीसेंगे। पहले हम दाल चावल पीसेंगे। इसमें थोड़ा सा पानी डालेंगे। ये कटोरी से मैंने 3 कटोरी चावल और 1 किलो 1 कटोरी उड़द की दाल ली हूँ। ये इसका रेशो है 3:1 का। और मेथी दाना 1 चम्मच, इसमें थोड़ा थोड़ा पानी डाल के हम पीसेंगे। देखिए हमारा तैयार हो गया बैटर। अब हम इसको निकाल लेंगे। इसको थोड़ा हमको मोटा ही पीसना है। ये देखिए, अब हम इसको ये बर्तन में निकाल लेंगे। इसमें हम बिल्कुल थोड़ा सा पानी डालेंगे। इसमें थोड़ा सा पानी लगेगा। देखिए बैटर हमारा बन गया। हाँ, हम इसको थोड़ा सा डाल देंगे, थोड़ा सा बचा लेंगे। डोसे के लिए हमको इसको बारीक करना है। डोसे का बैटर है वो थोड़ा बारीक रहता है। हम पानी डाल के इसको और बारीक करेंगे। ये हमने डोसे के लिए बनाया है।
अब हम इसमें दाल पीसेंगे। अब इसमें थोड़ा सा पानी डालेंगे। इसको हमें बारीकी पीसना है। ये दाल हमारी पीस के तैयार होगी। एक चम्मच हम इसमें डाल देंगे डोसे वाले में, डोसे के बैटर में। और बाकी हम इडली के बैटर में डाल देंगे। अब हम इसको 2 मिनट तक फेटेंगे ऐसे। देखिए मेरे बेटे, इतना ठीक रहना चाहिए बेटा, इसे पतला नहीं रहना चाहिए। अब ये खमीर उठेगी इसमें, खमीर इसमें उठेगा तो ये और थोड़ा गाढ़ा हो जाएगा और ये फूल के ऊपर आ जाएगा। अब हम इसको 8-10 घंटे के लिए रख देंगे गर्म जगह पे। गर्मी में खमीर जल्दी उठ जाता है, बाकी ठंड में और बारिश में खमीर उठने में टाइम लगता है, तो हमें इसको गर्म जगह में रखना पड़ेगा। जैसे गैस के बाजू में रख दो, गैस के बाजू में भी रख सकते हैं, या फिर ओवन को 1 मिनट के लिए चालू कर दो और फिर बंद कर दो, उसके अंदर रख दो तो भी खमीर जल्दी उठ जाता है। ये फ्लफी हो गया बिल्कुल। अगर ग्राइंडर है तो ग्राइंडर से भी इसको फेंट सकते हैं, और अगर नहीं है तो भी हाथ से ही फेंट सकते हैं इस प्रकार। ये हमारा इडली का बैटर तैयार हो गया है। अभी डोसे का बैटर है, इसको भी हम मिक्स करेंगे। इसमें भी खमीर उठेगा, खमीर उठाएंगे इसमें भी। इसको भी 1-2 मिनट तक फेटते रहेंगे ऐसे, ये फ्लफी हो जाएगा, एकदम स्पंजी हो जाएगा, बबल्स आने लगते हैं उसमें। जितना ज़्यादा फेटेंगे उतने ज़्यादा बबल्स आएंगे। देखिए हमारे डोसे का भी बैटर तैयार हो गया। अब हम इसको खमीर उठने के लिए रख देंगे 8-10 घंटे तक। देखिए बबल्स आ गए इसमें, जितना ज़्यादा फेटेंगे उतने ज़्यादा बबल्स आएंगे।
मेरी रेसिपी पसंद आती है तो मेरे वीडियो को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। एक और वीडियो के साथ।